फिल्म पद्मावती विवादों में रही, उसके बाद नाम हुआ पद्मावत। लगा था कि पद्मावत नाम होने के बाद जरूरी बदलाव के बाद फिल्म के विरोध थम जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इन्हीं सारी चीजों का खंडन करने के लिए पद्मावत फिल्म के मेकर्स ने अखबारों के फ्रंट पेज पर जारी किया है विज्ञापन। क्या कहता है फिल्म पद्मावत का ये विज्ञापन, आइए जरा जान लेते हैं। नमस्कार, आदाब, मैं हूँ अभिषेक, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिल्मी बीट पर। तो जनाब, विवादों से घिरी फिल्म पद्मावत के मेकर्स ने अखबारों के फ्रंट पेज पर एक विज्ञापन दिया और इस बात का खंडन किया है कि फिल्म में अलाउद्दीन खिलजी और रानी पद्मावती के बीच कोई भी दृश्य नहीं दिखाया गया है। विज्ञापन में यह भी कहा गया कि एक ऐसी फिल्म है जिसे देखने के बाद हर एक भारतीय को अपने भारतीय होने पर गर्व होगा। ये विज्ञापन फिल्म के प्रोड्यूसर्स भंसाली प्रोडक्शंस और वायकॉम 18 मोशन पिक्चर्स द्वारा आधिकारिक रूप से फिल्म के रिलीज 25 जनवरी को घोषित किए जाने के एक दिन के बाद आया। इतना ही नहीं, इस विज्ञापन में CBFC यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन द्वारा सुझाए गए संशोधनों को शामिल किया गया। फिल्म निर्माताओं ने फिल्म के विज्ञापन के अंत में कहा है कि पद्मावत एक ऐसी फिल्म है जिस पर हर भारतीय को गर्व होगा। इसका अनुभव करने के लिए आप 25 जनवरी को नजदीकी थिएटर में जरूर आएं। लेकिन इस विज्ञापन में कौन सी खास खास बातों को स्पष्ट किया गया है, उसके बारे में आइए जरा बिंदुवार जान लेते हैं। सबसे पहली बात जो स्पष्ट की गई है वो ये कि फिल्म महाकाव्य पद्मावत पर आधारित है, जिसकी रचना सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी, जो कल्पना पर आधारित है। दूसरा पॉइंट ये है कि फिल्म में अलाउद्दीन खिलजी व रानी पद्मावती के बीच कोई भी दृश्य नहीं फिल्माया गया। तीसरा पॉइंट कहता है कि हमने ये फिल्म राजपूतों की वीरता, विरासत व साहस की प्रसिद्धि के लिए बनाई। वहीं पर चौथा पॉइंट कहता है कि फिल्म रानी पद्मावती को पूरे सम्मान के साथ प्रदर्शित करती है और किसी भी तरीके से उनके चरित्र या छवि को धूमिल नहीं करती। अगले पॉइंट की बात की जाए तो उसमें यह भी क्लियर किया गया है कि फिल्म को CBFC द्वारा सिर्फ 5 संशोधनों के साथ मंजूरी दे दी गई और इसे भारत में UA प्रमाण पत्र के साथ आधिकारिक रूप से स्वीकृति दी गई। अगला पॉइंट कहता है कि फिल्म में आगे कोई कट या संशोधन नहीं है। वहीं पर सातवां पॉइंट ये कहता है कि हम सरकारी अधिकारियों, CBFC, फिल्म बिरादरी और अपने प्रशंसकों के समर्थन के लिए उनके आभारी हैं। तो इस तरीके से फिल्म के मेकर्स ने एक विज्ञापन के साथ स्पष्टीकरण दे दिया है और ये अपील भी की है कि 25 जनवरी को नजदीकी थिएटर्स में फिल्म को देखने जरूर आए। वहीं पर अभी तक कई राजपूत संगठन इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं, बैन की डिमांड कर रहे हैं। बहरहाल फिल्म 25 जनवरी को रिलीज होने वाली है, अभी तक तो यही माना जा रहा है। आगे क्या खबरें आती है, आगे क्या विवाद होता है या विवाद शांत हो जाता है, ये वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बॉलीवुड और टेलीविजन की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल फिल्मी बीट को।